चलिए स्टार्ट किया जाए भाई। हेलो हाँ छोड़ दीजिए भाई, नहीं आता है तो मान के हट जाइए अभी आप। हाँ तो ये तो पहले सोचना है ना, जो 1 बजे वाला 5 बजे वाला। चलिए स्टार्ट किया जाए। ये इतना छोटा क्यों दिख रहा है मुझे आज? ठीक है चलिए 15 नंबर। सम ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ एरर करेक्शन से स्टार्ट करते हैं। नाइदर जॉन नॉर जिम वॉज एबल टू टेल मी हु हैड विजिटेड आवर प्लेस इन द इवनिंग इन माई अब्सेंस। बताइए भाई ये में क्या गलती है? नहीं नहीं ठीक है, आंसर तो ये है भाई, टेल की जगह इन्फॉर्म करने की बात है, वर्ड का गलती था ये। ना तो जॉन ना तो जिम सक्षम था मुझे इस बात की सूचना देने में कि किस व्यक्ति ने हमारे जगह पे शाम को मेरे अनुपस्थिति में विजिट किया था। टेल तो टेलर करता है, यहां पे तो सूचना देने की बात है ना। ना तो जॉन ना तो जिम मुझे इन्फॉर्म कर सका था, सूचना दे सका था कि कौन मेरे घर पे हमारे अनुपस्थिति में आया था। तो वर्ड क्या गलती है इसमें, ये थोड़ा सा ऑड होता है, पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट, नो एवरीथिंग दैट अ डेली न्यूज़पेपर प्रिंट्स इज इंटेंडेड टू बी रेडी फॉर इट्स, मतलब टू बी रेडी था, यहाँ रेडी लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है। एजुकेशनल वैल्यू, देखिए हम बात कर रहे हैं नो, फिर है एक एवरीथिंग और एक होता है नॉट। नो होता है एडजेक्टिव, एवरीथिंग प्रोनाउन, नॉट एडवर्ब होता है ऑफ कोर्स नो डाउट, लेकिन नो एवरीथिंग कोई शब्द ही नहीं होता है, वर्ड होता है नॉट एवरीथिंग। प्रिंट्स इज इंटेंडेड, तो हमें चाहिए नो और एवरीथिंग का कोई वर्ड नहीं होता है, वर्ड होता है नॉट एवरीथिंग। नो और एवरीथिंग कभी एक साथ नहीं लिख सकते हैं, नॉट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग दैट अ डेली न्यूज़पेपर प्रिंट्स इज इंटेंडेड टू बी रेडी। प्रत्येक चीज जो भी डेली न्यूज पेपर जो छापता है उसका ऐसा इरादा नहीं होता है कि वो एजुकेशनल वैल्यूज के लिए हो, मतलब शिक्षा में उसका कोई यूज हो सके। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। द मास्क वर्न बाय द मैन हेल्प देम। मास्क है तो मास्क से हम अपने आप को छुपाते हैं, तो छुपाने की बात है, छुपाने के लिए कंसील का प्रयोग करिए भाई। कंजील मतलब सुटेबल के लिए है। ये कौन सा वर्ड आ गया भाई इसमें? मेरा मैं नहीं दिया हुआ है, हाँ ठीक है, ये तो इमोशंस को छुपाने वाला, टू हाइड इमोशन, अपनी भावनाओं को जो छुपाने वाले होते हैं उनको कहते हैं। हम तो मास्क को पहनते हैं भावनाओं को छुपाने के लिए नहीं, चेहरे को छुपाने के लिए, अपनी पहचान को छुपाने के लिए, तो हमें कंसील चाहिए। कंसील का सिनोनिम सिंपल सा हाइड होता है, कंसील मीन्स हाइड। नेक्स्ट, फोर्थ वन, ऑन द डैश ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा, जब हम बात कर रहे हैं पूजा की तो हम ऑस्पिशियस होना चाहिए, ऑस्पिशियस मतलब पवित्र, तो लक्ष्मी पूजा के पवित्र अवसर पे माथुर्स ने एक नया कार खरीदा था। ऑफिशियस, टू विलिंग टू ओबे, ऑफिशियस मतलब इसका लिख देता हूं यहीं पे, टू
टू विलिंग टू ओबे। बातों को मानने के लिए कुछ ज्यादा ही जो इच्छुक होते हैं, मतलब एक तरह के चापलूस टाइप के होते हैं, ऑफिशियस, बोले ना सर क्या करना है जान दे देंगे, यस मैन का ही फैमिली का है, ऑफिशियस, बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं काम को करने के लिए। प्रॉस्परस तो उन्नति के लिए होता है, समृद्धि के लिए, डेवलप के सेंस में होता है। फॉर्चुअस मतलब हिंदी बताइए भाई, हिंदी इसका हिंदी अचानक घटना कुछ हो, हिंदी भी तो बड़ी टफ है यार इसका, इसका हिंदी है ये कैसे लिखे, यही है हाँ लग तो रहा है, अरे हैपनिंग सडनली, हैपनिंग इंग्लिश तो पता है लेकिन हिंदी थोड़ा इसका आकस्मिक, वही 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 एक्सीडेंटली हाँ अचानक होना, ऐसा हिंदी का दिक्कत रहता है। इसके पिछले वाले का आइडेंटिटी की बात हो रही है, तो ये इसके लिए आइडेंटिटी के लिए मैस्कुलिन नहीं होता है जहां तक, सत्य या सच्चे मनोभावना को छुपाने वाला आचरण ये लिखा है, प्रिटेंड टू बी समवन वन इज नॉट, ये भी है हाँ। वो तो पार्टी या उसमें जिसमें जो पहनते हैं मैस्कुलिनिटी, मतलब तो एक तो पार्टी मोटी में जो मास्क पहनते हैं छुपाने के लिए, एक तो बिहेवियर के लिए कंसील, तो इसका आंसर आपने सी बोला, मैंने उल्टा लिखा, जस्ट अ सेकंड, उसका यहां लिख दिया इसका यहां रख दिया, जस्ट अ सेकंड, देखिए देखिए मैं बताता हूं एक एक करके, इसे बताइए अपने हिसाब से, एक है हाइड, एक है कंसील और एक है मैस्करेड। हाइड मतलब छिपाना, सिंपल सा, बिना नो इमोशन, इसमें कोई इमोशन नहीं होती है, इसमें कोई इमोशन की बात नहीं होती है। कंसील मतलब ही हाइड होता है, लेकिन ये इमोशंस के लिए होता है, तभी तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था उसमें हाइड भी था और कंसील भी आया था, एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि कंसील और हाइड दोनों था, लेकिन वह बात इमोशंस की हुई थी तो आंसर में कंसील हुआ। तो कंसील मतलब कहते ना कि प्यार को छुपाइए, भावनाओं को छुपाइए, तो जब इमोशंस की बात होती है तो कंसील आता है, सही बोला, और मास्क से ही तो ये वर्ड बना होगा ना, तो यही हाँ यही दे दीजिए भाई, क्योंकि कंसील भावनाओं के लिए होता है, कहते ना कि डोंट कंसील योर इमोशंस हम बोलते हैं, डोंट हाइड योर इमोशंस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जब भावनाओं की बात होती है तो कंसील आता है, चीजों को कभी भी कंसील नहीं किया जा सकता क्योंकि चीजों में कोई भावना नहीं होती है, ठीक है यही सही होगा, और एग्जाम में भी यही चलता है, तो जैसा है हमें वही चीजें लेके चलना चाहिए। वैसे मास्कुलिनिटी का ओरिजिनल प्रयोग होता है जैसे कि ये विदेशों में होती है, जो जैसे कि पार्टी होती नहीं कौन सा एक होता है हेलोवीन नाइट या जिसमें जो सब मास्क अपना अपना लगा के चलते हैं पार्टी ओटी में, जैसे कि अपना मुखौटा जिसे ताकि अपना पहचान को छुपा सके, तो वही चीजें होंगी। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन विथ एनी वन हु सीम्स, बताइए भाई, प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा तो हमें किससे बचना होता है, जिसे इन्फेक्शन होगा उससे या कॉन्टेजियस, जो चीज स्प्रेड हो सकती है वो पटने वाला बीमारी के लिए कॉन्टेजियस आता है। इन्फेक्शन तो जरूरी नहीं कि पटे भी दूसरे को भी नहीं हो सकता, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्टेजियस मतलब जिससे दूसरे पे
फैलने का पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी एबल टू बी स्प्रेडेड, इसका अर्थ होता है एबल और पॉसिबल टू इन्फेक्शियस, तो मतलब इन्फेक्शन संबंधित है, डिफाइल मतलब कम कर देना, क्या बोलेंगे उससे, पदो एक तो उन्नति होता है और उसका अवनति होता है ना, उसे भी कहते हैं हाँ हाँ। तो इसे आप कहेंगे डी रैंक, बोलिए डी रैंक या फिर डिवैल्यूएट, डिवैल्यूएट बोल दीजिए ना, सीधा सा लॉजिक ए बी ए टी कम होना, वो तो थोड़ा सा अलग हो गया, किसी के पोस्ट वोस्ट के लिए हम अबेट का प्रयोग नहीं करते हैं, डिजीज अलग चीज हो गया बीमारी। तो प्रिकॉशंस लेना चाहिए, किसी भी व्यक्ति से हमें सावधान रहना चाहिए, जैसा प्रतीत होता है कि जैसे हमें बीमारी पट सकती है, तो पटने वाली बीमारी के लिए कॉन्टेजियस आता है। तो कोरोना वायरस क्या है, कॉन्टेजियस है ना रे भाई। हाँ, नेक्स्ट, इफ इंडियन पीपल आर यूनाइटेड दिस नेशन कैन बिकम अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक ही तो लग रहा है, अगर भारतीय लोग एक हो जाएं, तो यह देश ताकत का एक सोर्स बन जाएगा पूरे दुनिया के लिए, ठीक ही तो लग रहा है। हाँ जी ठीक ही तो है, कैन रहा मॉडल, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोर्स सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए उन्होंने आर्टिकल ये लिखा है, तो पूरा तो ग्रामेटिकली सही बैठ रहा है। नेक्स्ट, ऑल देयर एफर्ट्स वर, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हम जनरली यूज करते हैं बी प्लस विद्री ना, तो बी प्लस विद्री चाहिए, वर डायरेक्टर, वर डायरेक्टेड टू, वर डायरेक्टेड टू प्रमोटिंग, वर डायरेक्टिंग एक ही में तो दिख रहा है मुझे, और कोई ऑप्शंस नहीं है, बेहतर होता अगर यहां पे लिखा होता प्रमोट, है ही नहीं ना ऑप्शन में, एक्चुअली होता है कि बी डायरेक्टेड टू डू समथिंग, ओरिजिनल रूल होती है बी डायरेक्टेड टू डू समथिंग, वहां पे टू का प्रयोग इन्फिनिटिव के रूप में होना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस में तो कहीं पे है ही नहीं, यहां आईएनजी है, यहां पे तो कुछ लेना देना नहीं है, वर्ड डायरेक्ट है और डायरेक्ट के बाद हमें टू चाहिए, दो ही चीजों में टू दिख रहा है, वितरी के बाद विपोर से क्या फर्क पड़ता है, प्रीपोजिशन के बाद जेरंड भी तो आती है, प्रीपोजिशन प्लस जेरंड है, तो यहां पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, एक्चुअली जहां से मैंने लिया ना उसमें भी यही था, ये भी नहीं था कि दो तीन जगह से चेक करने के बाद ही पता चला कुछ मिसप्रिंट है, कोई ऐसा नहीं था, तो आपको तो जाना पड़ेगा, क्योंकि बी डायरेक्टेड ओरिजिनल ये होता है टू प्लस भी वन, ओरिजिनल ये होता है, हाँ तो रहता तो बेहतर, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर वहां पे प्रमोट रहता तो वो बेहतर होता, लेकिन कोई ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो आपको तो सबसे जो नजदीकी है मानना पड़ेगा, नहीं नहीं मैंने दो जगह चेक किया रे भाई, इसलिए तो मुझे मतलब डिस्टर्ब हो गया था दो तीन क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जो रूल है वो तो फिट हो नहीं रहा था, और वर्ड डायरेक्टेड होगा था इंज डायरेक्टिंग थ्रू लिख पाएंगे, हम कंटिन्यूअस टेंस लिख ही नहीं रहे हैं, इनडेफिनेट है ये, डेस्पोट मतलब तो ताना शाह शायद होता है, ताना शाह, ताना शाह सही है, हाँ निरंकुश ताना शाह, तो ताना शाह का तो ये रहा टायरेंट, जो निरंकुश होते हैं अत्याचारी शासक, वो जो किम जोंग टायरेंट ही ना है, डेमन मतलब तो राक्षस होता है, ये सब आसान वर्ड है, मोनार्क मतलब तो राजा होता है, किंग, रूरल मतलब शासक होता है, तो तानाशाह का सिनोनिम तो टायरेंट होगा, वो भी तानाशाह ही होता है।
और डेमोन का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी शॉर्ट में किया जा सकता है, लेकिन डेमोन अगर फुल वर्ड है तो उसका अर्थ होता है राक्षस, गॉड एंड डेमोन, भगवान और राक्षस, डेविल, हाँ डेविल बोलिए, मॉन्स्टर बोलिए, सुनोनी में आप जो यूज करिए। नेक्स्ट, ओनस मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, हाँ भार भी होता है, आप ओनस का सिनोनिम में आप बर्डन लिख सकते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हैं, बर्डन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रहा एंटीपैथी, तो घिरना होता है, इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव, लगाव, झुकाव बोलिए या लगाव बोलिए, लगाव या झुकाव। प्रूडेंस समझदारी के लिए होता है, बुद्धिमानी के लिए भी होता है, विवेक बोल दीजिए हिंदी, विवेक, बुद्धिमानी, समझदारी, जो बोल सकते हैं आप। ओनस मतलब जिम्मेदारी या भार, इंक्लाइनेशन मतलब ओरिजिनल में इंक्लाइन के साथ टू आती है, इंक्लाइंड टू, झुकाव। एंटीपैथी मतलब किसी के प्रति नफरत या घृणा। नेक्स्ट, यहां पे आप सेंटोनिम पूछ रहा है, रिडंडेंट का अर्थ होता है नो लॉन्गर इन कॉमन यूज, कहीं ओरिजिनल अर्थ होता है, आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं, अनावश्यक, बिना मतलब के बहुत ज्यादा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, रिडंडेंट ऑफिशियल नहीं होता है, रिडंडेंट मतलब ऑफिशियल कर्मचारी जिनको अब छटनी कर दिया गया, जिनका यूज नहीं है, जिन्हें हटा दिया गया, आखिर में वही है कि जिसका आप कोई यूज नहीं है वो अनावश्यक हो चुके हैं, सभी के लिए होता है रिडंडेंट, मतलब रिडंडेंट वर्कर्स, रिडंडेंट थिंग्स सबके लिए हो सकता है, जिसका आप प्रयोग नहीं है या जो अनावश्यक है आवश्यकता से ज्यादा है उसे भी रिडंडेंट कहते हैं। ओरिजिनल में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया था तो उसका लिखा था नो लॉन्गर इन कॉमन यूज, जिसका आप कॉमन यूज में प्रयोग नहीं होता, उसी का सिनोनिम मतलब वन वर्ड में आया था रिडंडेंट आंसर। तो अनावश्यक है, जिसका आप यूज नहीं है वो क्या है, अनावश्यक। तो उसका एंटोनिम वर्ड ही तो कुछ अलग ही हो गया रे भाई, ज्यादा शब्द वाले जो होते हैं, ज्यादा शब्द, अधिक शब्द लिख देता हूं यहीं पे, वर्ड ही मतलब जिसमें शब्द ज्यादा रहते हैं, अधिक शब्द। रिपीटेशन मतलब तो दोहराव होता है, सरप्लस मतलब ज्यादा, ये तो सिनोनिम है ना, वर्डी भी उसका सिनोनिम है, सरप्लस भी सिनोनिम है, रिपीटेशन भी सिनोनिम है, तो मुझे इतना पता है कि बच गया, एंटोनिम चाहिए ना, तो कंसाइज मतलब संक्षिप्त, कम, शॉर्ट। तो ज्यादा या अनावश्यक का एंटोनिम तो संक्षिप्त होगा ना, बोलते ना कि संक्षिप्त में बोलिए, मतलब कम से कम चीजों में बोलिए, शब्दों में बोलिए। तो रिडंडेंट का एंटोनिम होगा कंसाइज, संक्षिप्त, कंपैक्ट भी बोल सकते हैं, शॉर्ट भी बोल सकते हैं। परनिशियस मतलब नुकसानदायक, परनिशियस नुकसानदायक, हानिकारक बोलिए ना, हार्मफुल ऑफ कोर्स, तो इसका तो हमें एंटोनिम बताना है भाई, बेनिफिशियल लाभदायक, परमानेंट हमेशा, पेरोचियल मतलब मेहंदी बताइए भाई, पेरोचियल मतलब लाभदायक, ये कब से हो गया, ये देहात से संबंधित होता है, ग्राम में, जिसे हिंदी में लिखा हुआ किताबों में ग्राम में, पेरोचियल मतलब ग्राम में या देहात से संबंधित, मतलब गांव से। पर्निशियस नुकसानदायक, बेनिफिशियल लाभदायक। नेक्स्ट, प्लो अ लोन फ्यूरो, लोन भी है तो ईडियम में और लोनली भी है, ध्यान रखिएगा, ईडियम होता है प्लो, हा दो वर्ड है, या तो आप लोन लिख लीजिए या फिर लोनली,
सब गलत है यहां लिखे हुए, इसलिए आज मुझे टाइम ज्यादा लगा। पेपर टाइप हुआ लेकिन कहां से टाइप हुआ ये खुद नहीं मिल रहा था, तो ये तो मैं खुद चेक किया कि खुद से काम करना, अकेले काम करना, अकेले काम करना। प्लेवल ऑन फॉर कर दो था टू डू समथिंग अलोन, तो सारे ऑप्शन गलत है लिखे हुए इसमें। टू डू समथिंग अलोन, किसी चीज को खुद से करना या कोई ऐसा काम करना जो कोई नहीं करता है। प्लोय लोन फ्यूरो का अर्थ होता है किसी कार्य को खुद से करना या कोई ऐसा कार्य करना जो कोई नहीं करता। तो सारे ऑप्शन पता नहीं क्या कार्ड खेलवा रहा है, वो ताश खेलवा रहा है, अंतिम कार्ड खेलवा रहा है, सफलता मिलना कोई लेना देना नहीं है। सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं तो उसे ठीक कर दीजिएगा। किसी कार्य को अकेले करना, खुद से करना, या वैसा कार्य को करना जो कोई नहीं करना चाहता, वो भी होता है, लिख लीजिएगा। यहाँ लोन भी और लोनली भी है, दोनों चलता है। ज्यादातर लोनली दिखता है लेकिन यहां पे लोन है तो चलेगा, दोनों ही लेकिन सही है। नेक्स्ट, अ प्रोफेट ऑफ डूम, मतलब निराशावादी व्यक्ति जो हमेशा बुरी बातें करता है, अशुभ बातें करता है। अ प्रोफेट ऑफ डूम मतलब होता है निराशावादी व्यक्ति जो हमेशा बुरी बातें करता है, अशुभ बातें करता है, अमंगल की बातें करता है। ये रहा निराशावादिता। पेसिमिस्ट मतलब तो निराशावादी होता है। तो एक व्यक्ति जिसके जो जिसके मन में निराशावादी है और जो निराशावादिता को फैलाता है। अ पर्सन हु होल्ड द वर्ल्ड गिल्टी, है जो दुनिया को दोषी मानता है। गिल्टी मतलब दोषी, तो निराशावादी आदमी दोषी नहीं मानते हैं, उसे सब चीज में शक है, सब चीज उसे खराब लगता है, उसे कोई उम्मीद नहीं लगता है। वो राहुल गांधी है। हाँ, इसका एंटोनिम है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। तो आशावादी का तो एंटोनिम निराशावादी होगा। अरे भाई डूम मतलब क्या, डूम मतलब होता विनाश। प्रॉफिट मतलब जो बोलने वाले बताते हैं, प्रॉफिट मतलब धर्म के प्रवर्तक भी होते हैं, और प्रॉफिट मतलब जो प्रोफेसी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। तो जो विनाश की भविष्यवाणी करते हैं तो क्या होगा, निराशावादी व्यक्ति ना, जो हमेशा बुरे चीजों की ही बात करते हैं, मुझे लगता है ये काम सफल नहीं होगा तुम्हारा, वो सब हमेशा बुरा बोलना। नेक्स्ट, समथिंग हैविंग मेनी स्किल्स, वर्सेटाइल, जिसमें बहुत सारे स्किल्स होते हैं, बहुगुणी, अडेप्ट, निपुण, डेक्स्ट्रस, जो भी बोलिए, अडेप्ट, डेक्स्ट्रस, निपुण, सब एक ही है। और पता है भाई, प्रोजेक्टाइल, ये तो गोली, तोप का गोला, ये सब के लिए होता है, जो बहुत तेजी से निकलते हैं। लिख देता हूं भाई एक एक का अर्थ। बुलेट के लिए भी हो सकता है प्रोजेक्टाइल, मिसाइल के लिए भी होता है, जो बहुत ही तेजी से निकलते हैं ना छोड़ने पे, उनके लिए होता है प्रोजेक्टाइल। एंग्लोफाइल मतलब भाई जिसे इंग्लैंड से प्यार है, एंग्लोफाइल मतलब जिसे इंग्लैंड से प्यार है, फोंड ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि एंग्लो मतलब इंग्लिश होते हैं ना, नहीं लिखा था एंग्लो हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में रहता है। तो एंग्लोफाइल मतलब फोंड ऑफ इंग्लैंड, फोंड ऑफ इंग्लैंड, जिसे इंग्लैंड से प्यार है, इंग्लैंड से लगाव है। क्या आप एंग्लोफाइल हैं? बिल्कुल नहीं, 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा था। साइक्लोस्टाइल मतलब कॉपी, डुप्लीकेट, हुबहू, नकल, डुप्लीकेट लिख देता हूं। साइक्लोस्टाइल मतलब कॉपी से बना है, डुप्लीकेट। प्रोजेक्टाइल मतलब मिसाइल या बुलेट के लिए होता है, एंग्लोफाइल इंग्लैंड से जिन्हें लगाव है। नेक्स्ट, टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, जब्त कर लेना, आधिकारिक तौर पे किसी के प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, कन्फिस्टिकेट मतलब जब्त कर लेना। हाईजैक तो विमान का अपहरण,
एनेक्स, ये भी फैमिली है, लेकिन जब एक देश दूसरे देश के जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर ले तो उसे एनेक्स कहते हैं। दूसरे देश के जमीन पर जबरदस्ती कब्जे को कहते हैं एनेक्स, जो रशिया ने अभी बहुत जगह यूक्रेन में किया है। तो दूसरे देश के प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा करना, एनेक्स मतलब टू टेक कंट्रोल ऑफ अदर कंट्री, अदर कंट्रीज, टू गेट टेक कंट्रोल ऑफ अ कंट्री ऑफ अ कंट्री बाय फोर्स, जोर जबरदस्ती करके जब दूसरे देश के पे हम कब्जा कर लें, कंट्रोल में ले लें, उससे हम एनेक्स कहते हैं। तो रसिया भी अभी यूक्रेन को एनेक्स करना चाहता है, हो नहीं पा रहा है। कुछ नहीं, नाटो क्या किया, नाटो तो तमाशा देख रहा है। नाटो अपंग है जब तक अमेरिका सामने नहीं आएगा। नाटो किस पे उछलता था, अमेरिका के दम पे, तो अमेरिका तो सामने आए नहीं, वो तो बोल रहा है हम आपका नैतिक समर्थन करते हैं, सब फायदे में है, ठीक है रे भाई, यही होता है। इसलिए दूसरे के पचरे में मत पड़िए और हीरो मत बनिए, अपनी क्षमता के हिसाब से काम करिए, इंडिया बनो, कभी किसी के फटे में पैर नहीं डालता है, फायदा जरूर उठा लेता है। इधर अमेरिका खुद भौंक रहा है कि आप रशिया के साथ मत जाए, आप हमसे हथियार खरीदिए। ये वही अमेरिका है जो इतने सालों से इतना नाटक था, इंडिया क्यों नहीं अमेरिका से खरीदता था, क्योंकि शुरू से ही अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा, और अगर कभी बेचा भी है ना तो इसमें उसका इतना कंडीशन जोड़ देता है कि आप उससे हथियार खरीद के भी कोई काम का नहीं रहेगा, कुछ नहीं बताएगा उसके बारे में क्या टेक्नोलॉजी है, कोई भी आप हथियार कर दोगे तो उसका सामान हमेशा पार्ट पुर्जा हमेशा मंगवाना पड़ता है, खराब होते रहेंगे, बदलते रहेंगे, वो पार्ट पुर्जा जल्दी नहीं देगा आपको, ना चाहता रहेगा, बॉसगिरी दिखाएगा। और रशिया बेचा, टेक्नोलॉजी भी ले लो भाई, सारा पार्ट पुर्जा जब चाहिए तब एक क्या दस ले लो, तो जिसके से हमें आसानी से सामान उपलब्ध होंगे हम तो उसी के साथ जाएंगे ना, तो इसी कारण रसिया से खरीदना बेहतर है। वही चीज इजराइल के साथ है, अमेरिका हमें डायरेक्टली हथियार अच्छा नहीं देता है, तो हम लोग क्या करते हैं वही हथियार इजराइल से खरीद लेते हैं, क्योंकि इजराइल के पास भी जो अधिकतर हथियार वो अमेरिकन वाले होते हैं, उनका अपना भी बहुत अच्छा है और अमेरिका भी उन्हें बहुत कुछ देता है, तो डायरेक्ट नहीं खरीद पा रहे हैं तो इजराइल से लेंगे, वो चीजें इजिली मिल जाती है उस हमसे। चलिए, द पब्लिक इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड, ऑफकोर्स इन्फॉर्म्ड के बाद कंजंक्शन दैट ही आएगा, क्योंकि बी हियर बाय इन्फॉर्म दैट, तो दैट से शुरू करेंगे। और वही है, ऑर्गेनाइज समथिंग टू डू समथिंग, बी के बाद सॉरी आर से स्टार्ट करना है, और देखिए ना बी के बाद एस होगा, ऑर्गेनाइज प्लस समथिंग प्लस टू प्लस बी वन होता है, ऑर्गेनाइज समथिंग टू डू समथिंग होता है, एक्चुअली रूल ये होता है, ऑर्गेनाइज प्लस समथिंग फिर टू प्लस बी वन भी होता है, आप इससे बना लेंगे, ऑर्गेनाइज है फिर क्या समथिंग में आ गया, आई डोंट एक्शन कैम, क्यों किया ऑर्गेनाइज, ताकि लोगों के बीच जागरूकता को पैदा कर सके। और हिंट दे देता हूं, अवेयरनेस के साथ हम सामान्यतः प्रीपोजिशन अबाउट आती है, तो एस के ठीक बाद क्यू जाएगी, अवेयरनेस अबाउट समथिंग होती है, तो देख रहे सब कुछ इसमें सही बैठ रहा है, ग्रामर से तो आसानी से बैठ जा रहे हैं। तो लोगों को यह सूचित किया जाता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो भारत का है वह एक आई डोनेशन कैंप को कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, ताकि लोगों के बीच जागरूकता को पैदा किया जा सके इस अच्छे कार्य के लिए, इस अच्छे कार्य के लिए, ताकि हम अंधे लोगों को सक्षम बना सके उन्हें फिर से देखने में। ये तो आसान है भाई। नेक्स्ट, विजिबल, एफ ई ए एस आई बी एल
ई फिजिबल, क्या होगा भाई? आ गया ये रहा, फिजिबल मतलब पॉसिबल, संभव। फिजिबल का सिनोनिम होता है पॉसिबल, संभव, उपयुक्त भी बोल सकते हैं, सुटेबल भी है सिनोनिम में। फिजिबल का एक बार प्रीवियस ईयर में सुटेबल आया था आंसर, संभव। फिजिबल का हो गया सुटेबल। नेक्स्ट मिस स्पेल्ट वर्ड, नहीं नहीं ये गलत हो गया शायद, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड होना चाहिए था, मिस स्पेल्ट नहीं, करेक्टली स्पेल्ट होना चाहिए, करेक्ट वर्ड, करेक्ट जो है वो वर्ड करना है। डी ओ एल ओ आर ओ यू एस, दुखद, खेदजनक, इसका हिंदी होता है पेनफुल, मतलब दुखद, दुख मतलब कैसे लिखे यार, दुखद से अच्छा खेदजनक लिख देता हूं, तकलीफदायक, इंग्लिश छोड़ो ना ये इंग्लिश ज्यादा अच्छा है, पेनफुल, खेदजनक। सिनोनिम बता देता हूं इसका, ये तो कम आया है, इसका ये आया हुआ है लेमेंटेबल, लेमेंट कितने बार आ चुका है एग्जाम में, डोलोरस का सबसे नजदीकी सिनोनिम होता है लेमेंट, लेमेंटेबल जिसे आप बोलेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव होना चाहिए, तो लेमेंट वर्ब होती है, लेमेंटेबल एडजेक्टिव होता है, लेकिन लेमेंट का ही ना फैमिली है, खेदजनक, दुखद। तो डोलोरस का सिनोनिम में ज्यादातर लेमेंट आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वॉइस बदलना है, टुक आ गया सेकेंड फॉर्म, तो द इंजर्ड पैसेंजर्स वर टेकन, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो द इंजर्ड पैसेंजर, यहां पे हैव है, यहां हैज है, बकवास तो वैसे ही हो गया है, एक ही में दिख रहा है, सी फॉर चेन्नई। पुलिस, हाँ जी, पुलिस ने घायल यात्रियों को हॉस्पिटल ले गए, पुलिस घायल यात्रियों को हॉस्पिटल ले गए थे। नेक्स्ट नरेशन आ गया, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल, आई सेड नो, तो ही आस्क्ड मी, सब में तो है, इफ आई वॉज, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई बनेगा, तो ही तो होगा नहीं, यू होगा नहीं, वी होगा नहीं, प्रोनाउन से बना देंगे आप, एस ओ एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो मी को हमें आई में बदलना होगा, हाँ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं, तो ये तो प्रोनाउंस बन जाएगा। वॉज नॉट क्यों आया क्वेश्चन में, नहीं है तो है ना, ऑफकोर्स यहां पे नो लिखिए या ऐसा लिखिए, नो आई एम नॉट, ये एक ही है, सिर्फ नो लिखिए या नो आई एम नॉट लिखिए, दोनों अर्थ एक ही है। आप या तो रिप्लाइड इन नेगेटिव से बना दीजिए, रिप्लाइड इन नेगेटिव, अगर ना है तो रिप्लाइड इन नेगेटिव, और अगर यस है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, या फिर उस डायरेक्ट जो उसमें पूरा छुपा हुआ है उससे बना लीजिए। तो इसलिए एम नॉट का पास्ट हुआ यहां पे वॉज नॉट, क्योंकि वहां पे छुपा हुआ है वो चीज। सर कैसे पता चला एम नॉट होगा, क्योंकि कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या मार्केट, क्या तुम जाओगे मार्केट, और किसने कहा आर यू कमिंग टू मार्केट, आर यू कमिंग टू मार्केट, तो उसने कहा यस, तो इसमें मतलब क्या है, यस आई एम कमिंग टू मार्केट छुपा हुआ, तो वही टेंस ना चल रहा होगा, तो यहां नो का अर्थ है नो आई एम नॉट, तो उसी आई एम नॉट का पास्ट वॉज नॉट किया आपने, और वैसे प्रोनाउन से बन जा रहा था। चले क्लोज टेस्ट, पाकिस्तान डिसीजन टू लॉन्च अ नेशनल, हम जनसंख्या की गणना की बात कर रहे हैं इस पैसेज में, हम जनसंख्या के गणना की बात कर रहे हैं, सेंसस मतलब जनगणना, सेंसस का हिंदी है जनगणना, और क्या है भाई,
देखिए, वेलकम डेट वुड अलाउ रेजिस्ट्री पॉलिटी रेजिस्टर द चैलेंज अटैच किट का स्कीप फॉर योर क्वेश्चन रिसोर्स एलोकेशन, इससे पता चलेगा, और इलेक्ट्रल्स इससे पता चलेगा, इससे पता चलेगा। प्रत्येक 10 साल में होता है सेंसस, हमारे यहां भी था शायद, उससे पता चलेगा सारे चीजें, तो हिंट है ही। एक्चुअली मैंने पढ़ लिया था थोड़ा देर पहले, इसलिए मुझे पता चल गया। तो इसलिए जब कोई भी क्लोज टेस्ट करते हैं तो सबसे पहला नियम होता है कि 30 से 35 सेकेंड में उस पैसेज को बिना फिल किए हुए एक बार पढ़ लीजिए। तो इससे यह आइडिया मिलता है कि बात किसकी हो रही है, क्योंकि उसी के हिसाब से जब आपको थीम पता चलेगा तभी जाके एग्जैक्ट आंसर आने लगता है। नहीं तो अगर थीम नहीं पता ना तो एकदम लगेगा कि अंधेरे में हम लोग कुछ भी अंधेरा में मार रहे हैं ऑप्शन, जो इन चारों में अच्छा ये लग रहा है, हमें अच्छा नहीं लगाना है। कंसेंसस का हिंदी सहमति होता है भाई, सेंसस में तो जनगणना, कंसेंसस का हिंदी लिख देता हूं सहमति। रेफरेंडम मतलब तो जनमत संग्रह होता है, जनमत संग्रह, जनमत। कितने बार आपके एग्जाम में रेफरेंडम पूछ चुका है, और डायरेक्ट वोट बाय, डायरेक्ट वोट बाय पीपल ऑन ए पर्टिकुलर मैटर, वन वर्ड में आता है, लोगों के द्वारा जो डायरेक्ट वोट किया जाता है एक मुद्दे पे, जैसे कि पाकिस्तान बहुत सालों से कश्मीर में रेफरेंडम की मांग कर रहा है, जनमत संग्रह की, जो वहां के लोगों को पहले बोला जाए, वो उन्हें चुनाव करने के लिए कहा जाए कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान। ये पिछले 30 सालों से वो मांग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि अगर अभी वहां पर जनमत संग्रह करा देंगे तो इंडिया अगर 100 वोट पड़ेंगे तो इंडिया के पास 20 वोट आएंगे, 80 वोट पाकिस्तान को जाएगा। लॉजिक है, क्योंकि 1947 के बाद से ही पाकिस्तान वहां धीरे धीरे अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया, चाहे आतंकवादी के रूप में हो चाहे चरवाहे के रूप में, धीरे धीरे 1947 वहां पर इतने लोगों को अपना भर दिया है कि वो खाता इंडिया का है लेकिन है वो पाकिस्तानी। तो यहां पे भारत कभी भी जनमत संग्रह नहीं करवा सकता, नहीं तो बहुत बुरा तरीके से हार जाएगा। तो एक ही तरीका है, सेना लेके रहिए। आज सेना हट जाए ना तो जम्मू का एक एक आदमी जो है काट के फेंक दिए जाएंगे। कश्मीर तो भूल ही जाओ, वो तो कभी इंडिया है नहीं। अगर आपको गलत फहमी है तो सेना को हटा दीजिए और कश्मीर के लाल चौक पे जाके आप थोड़ा सा वंदे मातरम और जय हिंद कर दीजिए। बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले कश्मीर के लाल चौक पे आप झंडा इंडिया का नहीं फहरा सकते थे जब तक आर्मी वहां पे ना मौजूद हो। कौन मारेगा? आतंकवादी नहीं मारेंगे, वहां का लोग मार डालेंगे। तो ये होता है। अभी देखो खोला गया है, कितने सप्ताह बाद लॉकडाउन हटा है वहां, तो अभी जो नमाज अदा की गई है, हम किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, आप इंडिया में हैं तो इंडिया का होना चाहिए, पाकिस्तान में रहें तो उसके रहिए। अभी नमाज अदा किए तो उसमें भारत से आजादी के लिए मतलब उसमें नारे लगे हैं, पूरा वीडियो है न्यूज सारे न्यूज चैनल पे है। इसलिए तो कंसेंसस सहमति इलेक्शन मतलब तो चुनाव होता है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं, बात है इंडिया पाकिस्तान की। इंडिया में सभी धर्म के लोग रहते हैं ना, तो सबका इंडिया होना चाहिए। अबे पाकिस्तान जाके करेगा क्या नीच लोग? वहां ऑलरेडी भिखारी देश है, उसके साथ जाके तू करेगा क्या? भीख मांगेगा? हद है यार। इंडिया जैसा इतना पावरफुल कंट्री जिसका अमेरिका का तो औकात नहीं है बोल दे कि तुम तेल नहीं खरीदोगे, पाकिस्तान करके देख ले, बुला के पीटता है, जाएगा नहीं। जो हम उतना दूर कहा जाए, बोले प्रधानमंत्री पाकिस्तान का इधर आओ, पहले तो एयरपोर्ट पे पूरा खुलवा के चेक करेगा, बेइज्जती पहला वो होता है पाकिस्तान का। सारे जो वहां के बड़े बड़े रिपोर्टर वो ये इंटरव्यू दिए हुए हैं कि इंडिया का कोई आदमी जाता है अमेरिकन एयरपोर्ट पे तो उसे बस हल्का पासपोर्ट देख के छोड़ देते हैं। पाकिस्तानी अगर कोई जाता है खाली वो पाकिस्तान पासपोर्ट पर लिखा रहे, पूरी तरह से कपड़ा उपड़ा खोलवा के और फिर चेक किया जाता है। तो ये गलत है ना, ये छवि किसने बनाया? उसने खुद ना बनाई है। किसी देश के विनाश में उसके लोग ही शामिल होते हैं और कोई नहीं होता है।
कौन सा देश में जा रहा है यार? आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। आज तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री आजादी के बाद से 5 साल नहीं टिक पाया, या तो फांसी पे दे दिया उसको लटका दिया, या तो सत्ता परिवर्तन हो गई, या तो मार के भगा दिया। और तुम वहां जाना चाहता है? अरे गाली गलौज करो लेकिन यही रहो, इससे अच्छा देश क्या मिलेगा कि तुम हिंदू को गाली दे सकते हो, हिंदू तुम्हें गाली देगा, तुम उसको पीट रहे हो, वो तुमको पीट रहा है, फिर सब साथ साथ रह रहे। तो इंडिया जैसा बेहतरीन देश वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। यह सब धर्म के लोगों को खुली आजादी है और इकलौता ऐसा देश है जहां पे मेजोरिटी पीड़ित है। ये आपका इंडिया का महानता है कि जो मेजोरिटी है ना वो लोग डर डर के रहते हैं, क्योंकि ये हमारे खून में है। गांव में भी नहीं, जो चाचा जो गरीब चाचा है तो उसको है ना उन्हें तकलीफ हो जाएगा, कुछ नहीं करो ले लो एक कट्टा, छोड़ो तुम ले लो, तुम जोत लो इसको। तो ये तो हमारे नेचर में है, तो इससे अच्छा नहीं तो जाओ ना सीरिया में जाके देखो क्या हो लो, क्या कहां से बम गिरेगा पता नहीं चलता है, लेकिन गिरेगा जरूर, पक्का है। तो इसलिए हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अरे एक लाइन सुन लो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या हिंदू क्या मुसलमान दोनों का है रक्त महान, और क्या हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान दोनों में बसते हैं हम इंसान। यही होता है ना, वो तो नेता लोग है, मोदी को वोट चाहिए हिंदू का, योगी अगर हिंदुत्व को छोड़ दे जो हिंदू हिंदू करना तो क्या उसको नाम बदलने पे वोट मिलेगा? आज से इसका नाम फलाना है। अच्छा उन्नति नहीं हो रहा, आज से इलाहाबाद का नाम अमेरिका है, हो गया विकास? वो एक के काम जानता ही है नाम बदलना, या फिर हिंदू मुसलमान करेगा, विकास करो ना। इतना ज्यादा बेरोजगारी यूपी के इतना तो कहीं नहीं है। राम जी तो चलिए गए, मंदिर बन गया, तो अब पूरा मथुरा में अब अच्छा ऐसा ऐसा करके तुम फिर 5 साल जीतना चाहता है। देखो ये नहीं बोल रहा है कि कड़वा तेल 200 रुपए खा रहे हो। अच्छा हम लोग क्या बुलेट प्रूफ हो गए? 500 रुपए सरसों तेल खाएंगे, पेट्रोल भगवान के दया रही तो 2 साल के अंदर 150 हो जाएगा, होने वाला है। पेट्रोल हो ही गया, सरकारी नौकरी का वैकेंसी आधा खत्म हो चुका है। हाँ फिर मोदी है तो मुमकिन है, अब इसमें भी 56 जोड़ लो। चलो भाई मतलब आम मुद्दे रह ही नहीं गए। पहले 50 पैसा अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता था ना तो पूरे देश में आंदोलन होता था। सिलेंडर का दाम 30 रुपया बढ़ गया था तो वो जो मोटी आंटी है स्मृति इनाड़ी जी, वो ना सिलेंडर लेके और कुछ पेट्रोलियम मंत्री जो था कोई कांग्रेस का नॉर्थ साउथ इंडियन, उसको ना चूड़ी गिफ्ट की थी, भेजी थी जी ये लीजिए चूड़ी पहन लीजिए, क्योंकि इतना दाम बढ़ने से आदमी कैसे आम आदमी जिएगा। और अब जो है वो निकम्मी इधर 50-50 रुपया बढ़ता है, 400 रुपया था तो उसने चूड़ी भेजा था, अब 1000 रुपया है तो मोदी को तो चूड़ी में पहना देना चाहिए पूरा ऊपर से नीचे। 30 रुपया बढ़ा था तो चूड़ी भेजा था, जब 400 रुपया दाम हुआ करते थे 430 रुपया था तो 1000 रुपया हो गया ना। मोदी है तो मुमकिन है। चलो भाई दैट वुड अलाउ इट टू, तो लाइव वीडियो में बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं? कुछ गलत बोलेंगे तभी ना। मोदी जी के भक्त और सलमान खान के भक्त से पंगा नहीं, क्योंकि दोनों ही गोबर होते हैं दिमाग से, उनका बत्ती कब का बुझ चुका है। सलमान खान ना एक्टिंग आता है ना कुछ आता है, फिर भी चल रहा है, तो उसको कौन पसंद है? कौन उसे पसंद करता? रिक्शा वाले ठेला वाले, उसी को वही पसंद आ सकता है। मोदी जी क्या नीति है हमको आज तक समझ नहीं आया, फिर भी उन्हें भक्तों को अगर सही लगता है तो हाँ मन की बातें करते हैं। मेहरारू को छोड़ देबो तो ऐसे ही तू मन की बातें करब, हम लोग तो मेहरारू घर में बाड़ी तो हम अपन मन के बात ओकरे से जाके कर लेवे ने। चल बात जवाब हो गया, आ जाओ। नेशनल सेंसस आफ्टर मच डिले, पाकिस्तान ने निर्णय लिया है
कि वो एक राष्ट्रीय जनगणना लॉन्च करेगा बहुत ज्यादा देरी के बाद, इज अ वेलकम स्टेप, वो एक स्वागत के योग्य कदम है जो उसे अनुमति देगा, अलाउ करेगा कि वो बना सके एक सच का पॉलिसी, मतलब ओरिजिनल पॉलिसी को बना सके। तो हमें चाहिए यहां पे मेक, हमें यहां चाहिए मेक। मेक का सिनोनिम होता है फॉर्मुलेट। ये हो सकता था, यहां होता है, लेकिन यहां आईएनजी है और हमें टू के बाद चाहिए फर्स्ट फॉर्म। डिवाइजिंग का सिनोनिम हो गया मेकिंग और हमें टू के बाद चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अलाउ के बाद हमेशा नॉर्मल इंफिनिटिव का ही प्रयोग कर सकते हैं। अलाउ प्लस टू प्लस बी वन। डिवाइस मतलब ही मेक होता है, लेकिन यह कि आईएनजी जे किया तो बच गए। रेडी और कंट्रोल लेना देना नहीं है। टू फॉर्मुलेट रियलिस्टिक पॉलिसीज टू, ताकि वो रियलिस्टिक मतलब क्या, यथार्थवादी पॉलिसी को बना सके, ताकि वो चैलेंजेस को सामना कर सके। इट डैश, इट कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसका वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आएगा। तो ये रहा, क्योंकि चैलेंज को क्या किया जाता है, फेस, तो उससे बन जाएगा इट फेसेस दी, सॉरी द डाटा आर क्रिटिकल एस की फेडरल डिसीजन सच एज, फेडरल डिसीजन मतलब संघीय निर्णय, संघीय निर्णय, जैसे कि रिसोर्स एलोकेशन मतलब बांटना, एलोकेशन मतलब बांटना, मतलब किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया जाएगा। फॉर प्रोविंसेस, प्रोविंसेस मतलब प्रांत, एंड डैश ऑफ इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन अर्थ क्या है भाई इसका, अरे अपने इंडिया में भी तो होती है डिलिमिटेशन, जो अभी थोड़ा दिन पहले किया गया था, थोड़ा साल पहले, जैसे कि आप इस इलाके में हैं, तो इस इलाके का क्या मतलब, कहां पे विधानसभा या लोकसभा, तो ये लोकसभा है, इसमें यहां यहां तक के आदमी होंगे, इस इलाके के आदमी, तो बाउंड्री को जो फिक्स करते हैं ना, उसे डिलिमिटेशन कहते हैं। बाउंड्री आज सीमा निर्धारित करना, हाँ हिंदी में लिख सकते हैं आप सीमा निर्धारित करना, तो लिख लीजिए फिक्सिंग बाउंड्री। डिलिमिटेशन का अर्थ होता है फिक्सिंग बाउंड्री, सीमा निर्धारित करना। कंसेंसस का प्रयोग क्यों करता है, जनगणना क्यों करता है, ताकि हम सीमा को निर्धारित कर सके कि इस लोकसभा में इतने आदमी होंगे, इस लोकसभा में यहां होंगे, यहां तक इसका सीमा रहेगी। डिलिमिटेशन, सीमा निर्धारित करना। डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर टेकन बेस्ड, एक्चुअली ये होता है फ्रेज बी प्लस बेस्ड प्लस ऑन प्लस समथिंग, बी प्लस बेस्ड प्लस ऑन प्लस समथिंग। बेस्ड ऑन होगा जो निर्धारित है, किसी चीज पे आधारित है, बी बेस्ड ऑन। अब अगला टेस्ट सीरीज जो CHSL और MTS के लिए है, वो मंडे से स्टार्ट होगी, ठीक यही टाइम रहेगा, हाँ स्टार्ट होगी। सीजल तो अब शुरू हो गया है, तो अब कोई लेना देना तो है नहीं, मंडे से CHSL और MTS का सेम टाइमिंग पे शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन दे दीजिए, ऑफलाइन दे दीजिए, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद।